आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा आकाश भूमि न्यूज से। पिछले 3-4 दिनों से एक मामला जनपद भदोही में प्रकाश में है। ईसी हॉस्पिटल भदोही, वहां एक 24 वर्षीय लड़के का इलाज होता है और कहीं 28 वर्ष भी बताया गया है, तो विनय तिवारी का इलाज होता है और इलाज के दौरान मौत हो जाती है और इलाज बड़े ही नाटकीय ढंग से होता है। कहीं भी अगर ऑपरेशन होता है और उसमें एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है तो एनेस्थीसिया का डोज देने के बाद पहले ऑपरेशन किया जाता है। अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो 10 से 12 घंटे डॉक्टर क्या कर रहे थे? परिजनों को क्यों इसकी जानकारी नहीं दी गई? अगर इसकी जानकारी दी गई होती तो शायद परिजन विनय तिवारी को बचा पाने में सक्षम हो पाते, सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर, इससे यही प्रदर्शित होता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर विनय तिवारी को मौत के काल में भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि पिछले 2-3 दिनों से कभी डीएम ऑफिस जा रहे हैं सब, कभी एसपी ऑफिस जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कार्रवाई की जब रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तभी पता चल पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। आज विनय तिवारी के परिजन और गांव के लोग मिलने आए थे सीएमओ कार्यालय, माननीय सीएमओ महोदय से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि इसमें रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी जिसने जांच प्रस्तुत कर दी है और जल्दी ही ये जांच भदोही पुलिस अधीक्षक को सौंप दी जाएगी एफआईआर के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी जाएगी और दूसरा ये कि ये भी कहा गया कि डॉक्टर जो है वो प्रशिक्षित हैं, लेकिन क्या प्रशिक्षित डॉक्टर को किसी की जान लेने का अधिकार है? और जान कोई भी ले, अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। मान लीजिए अगर आपने किसी का इलाज किया है और इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर अगर किसी की मौत कर दी जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर परिजनों को बता दिया जाता या कहीं अन्यत्र रेफर कर दिया जाए तो जान बच सकती थी। दूसरी बात यह है कि परफेक्ट मिशन अखबार जो वाराणसी से प्रकाशित होता है और तमाम जनपदों से प्रकाशित होता है, पत्रकार प्रेस क्लब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं घनश्याम पाठक, उनके द्वारा ये खबर चलाई गई है, आकाश भूमि न्यूज में ये खबर चलाई गई है और हमारे एक भाई हैं दरियल हिंदुस्तान के विपिन मिश्रा, उनके द्वारा ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुद्दा मीडिया के माध्यम से न उठाया जाता तो शायद जितनी कार्रवाई हुई है उतनी कार्रवाई न हो पाती। आइए जरा परिजनों से बात करेंगे कि आखिर इन्हें क्या आश्वासन मिला है और इस आश्वासन से ये कितने संतुष्ट हैं। जी बताएं आप क्या लगते हैं? हम विनय तिवारी के रिश्तेदार हैं और भर्ती के बाद से, मतलब रात के 8 बजे से लगातार हम इनके टच में रहे। डॉक्टर साहब को हमने पूछा कि रेफ़र कर दीजिए, क्या है, ऑपरेशन हुआ कि नहीं? डॉक्टर साहब कहे कि नहीं, हमने बेहोश किया हुआ है और हम उनको होश में ला लेंगे सुबह, रात में हाथ पैर ना झटके इसलिए हमने बेहोश में रखा हुआ है। सुबह जब हम लोग गए तो समझ में आ रहा था रेफर कराना ही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी इनके माध्यम से। कल भी रात में बोला गया, आज भी रात में। एक बड़ी बात बताइए कि ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं हुआ था, ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। ऑपरेशन अगर ना हो तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब वो बता रहे हैं कि स्थिति बिगड़ गई थी, यही ना? सीएम साहब से यही बात हुई, मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे कि अब उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। जी जी, अगर स्थिति बिगड़ रही थी तो उन्हें रेफर नहीं किया गया? नहीं नहीं, रेफर की स्थिति ये थी कि हमने 112 बुलाया तब रेफर किया गया है। इसका मतलब जानबूझ करके मामले को उलझाए रखा गया। जी, उसके अलावा वहां पे अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे जिसकी हमने कंप्लेन तत्कालीन एसएचओ उस समय मौजूद थे उनसे कहा था कि आप सीसीटीवी फुटेज को अपने कंट्रोल में लीजिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, शनिवार को हमने एप्लीकेशन जब दिया एसपी साहब से तब भी यही शब्द उठाया कि आप सीसीटीवी को कंट्रोल लेने के लिए बोलिए। तो उन्होंने एसएचओ से कहा कि आप सीसीटीवी देखिए, ये नहीं कहा कि सीसीटीवी कंट्रोल में लीजिए, अपने सील करिए उसको। सीसीटीवी ही सब कुछ था जिसको पूरी तरह से छोड़ा गया जिससे कि सबूत डिस्ट्रॉय हो जाए। नहीं, सीसीटीवी जांच अगर उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय ने अगर कहा है थानाध्यक्ष महोदय को कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, तो जांच का मतलब होता है कि जिस समय से लेकर और जब तक ये घटना हुई है उसके वीडियो फुटेज को लेना। जी जी जी, तो वीडियो फुटेज उतने घंटे का मिलना चाहिए। अगर उसमें छेड़छाड़ होती है तब आप इसमें जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि छेड़छाड़ कैसे हुई। हाँ जी हाँ जी, हम तो यही चाहते ही हैं कि जो चीजें हैं उसी से क्लियर हो जाएंगी ना, बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं है वहाँ पे।
किसने एनेस्थीसिया दिया और हम लोगों ने क्या डॉक्टर साहब से आर्ग्यू किया। आपके कहने का मतलब यह है कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे ये सीसीटीवी फुटेज में, और सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जबकि हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग अभी सीएमओ साहब भी बोल रहे थे कि स्टाफ और परिजन के अलावा कोई नहीं होगा जी। हाँ, और वहाँ पे अपराधी प्रवृत्ति लोगों का जमावड़ा था, जितने परिजन नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा बाहरी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। जब इस बात की पुष्टि हुई कि विनय की मौत हो चुकी है, उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन था उसका रवैया आप लोगों के साथ क्या रहा? अस्पताल प्रशासन का रवैया जैसे ही पहले था वैसे ही रहा, कोई सहूलियत नहीं, कोई मानवीय प्रवृत्ति नहीं रही अस्पताल प्रशासन की। और हम लोग वहां से अपने पेशेंट को जब एसएचओ ने कहा कि पोस्टमार्टम करानी है तो हम लोग लेकर चले गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में संवेदना देने की स्थिति में नहीं रहा। और सुनने में आता है कि डॉक्टर खुद जो है कि अंदर कमरे में बैठे थे कि भाग गए थे, वो जांच का विषय नहीं। एक और बड़ी बात कि ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो आपके पड़ोसी गांव के हैं, तो क्या पड़ोसी गांव के नाते ही उन्होंने वो आपके घर पहुंचे या किसी तरह की सहानुभूति उनकी तरफ से व्यक्त की गई है? नहीं सर, जब मीडिया एक्स्ट्रा बाइट चलाने लगी, हर एक चीज होने लगी और उनको लगा कि इन सब चीजों में हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो उनके दूर के कोई परिवार के सदस्य हैं वो एक दो दिन आए और ऐसी बातें कर रहे थे कि जो संभव नहीं थी। हमने सारा पैसा दिया हुआ था, जबकि 15,000 की अमाउंट शायद उन्होंने दिया हुआ था जिसकी रसीद भी नहीं मिली। एम्बुलेंस का पैसा हमने दिया था, वेंटिलेटर एम्बुलेंस था, पूरा पैसा हमने दिया है। वो आके कह रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस का पैसा दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं वो हम लोगों को गलत ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक बड़े प्रशासनिक कमजोरियों के कारण वो हम पे हावी हो रहे हैं। आज सीएमओ साहब से आप लोगों की बात हुई है, उन्होंने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है और उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है, अब वो जांच के बाद ही संतुष्ट या असंतुष्ट होने की बात होगी, क्योंकि मेरा पेशेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका था। अब मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब सीएमओ भी है, तो एक डॉक्टरों में ज्यादातर होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और अपने खिलाफ नहीं लिख पाते। जैसे कि एम्बुलेंस का स्टाफ खुद बोला कि वो पेशेंट खत्म था, लेकिन हमने जब कहा रुक जाओ मैं अभी आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो बोला कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाऊंगा, मैंने आपको बता दिया था। नहीं, सीएमओ साहब ने ये कहा कि 30 तारीख को डेथ हुई थी। तो उसमें जो है आर्गुमेंट भी चल रहा था कि नहीं 30 को नहीं हुई थी, उसके पहले हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा? इतनी बड़ी मेडिकल टीम है, इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद आप परफेक्ट टाइम नहीं बता पा रहे हैं। चलो परफेक्ट टाइम नहीं बता पा रहे हो, एक दो घंटे के आगे पीछे का टाइम तो आपको लिखना चाहिए था मेडिकल रिपोर्ट में, अब ये नहीं लिख पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए और समाज के लिए भी। एक बात और बड़ी उसमें निकल करके सामने आई है कि जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है, विसरा मतलब होता है कि जो आंतरिक अंग होते हैं जी उनको प्रिजर्व किया जाता है और विशेष अंग जो होते हैं उनके द्वारा जांच की जाती है कि इसमें किस तरह का ओवरडोज रहा है, पॉइजन है, क्या है, कैसे, जो भी चीजें हैं उसकी पुष्टि वहां से हो पाती है, तो उसको आने में समय लगता है। बात आपकी सही है, हम तो कर रहे हैं, क्या हम 6 महीने साल भर 2 साल सिर्फ जांचों के आधार पे भटकते रहे? जब हमें नहीं न्याय मिल रहा है तो पहले तो हॉस्पिटल प्रशासन को हॉस्पिटल को बंद करना चाहिए, उसको सीज करना चाहिए, जो चीज़ें हो उसके आधार पे होता है, क्राइम के बाद उस चीज़ को कंट्रोल में लेती है प्रशासन, तो ये कैसे न्याय हो पाएगा? आपने तो उसको कंट्रोल में ही नहीं लिया, जब भाई रिपोर्ट आती तो आप छोड़ देते, रिपोर्ट आती तब आप छोड़ते ना, आप रिपोर्ट के पहले उसको सीज करना चाहिए था, व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, लेकिन चीजों को लिया नहीं गया, सिर्फ भूमिका बताई जा रही है, ला बताया जा रहा है, तो ला कहाँ गया कि मानवता खत्म हो गई, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को भूमिका बताते रहे, चुतिया बनाते रहे और हम लोग विश्वास में गला कटाते रहे इनके साथ। तो अभी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भारत छोड़वाया सीएमओ साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं? मैं पूरे प्रशासन से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर संतुष्ट करने की बात थी तो एसपी साहब एसएचओ से सीधे कहते कि आप सीसीटीवी फुटेज को अपने कंट्रोल में लीजिए और उसको सील करिए, जो मूल था। नहीं, उन्होंने तो ये जांच की बात की, जांच और रिपोर्ट लेने में अंतर होता है, आप जांच मत करिए ना भैया, पहले आप उसको फुटेज पूरी निकालने के बाद ही सेम डे होना चाहिए था ना। एसएचओ ने भी तो हमको ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ था कि हम इसको कंट्रोल में लेते हैं, हम एक एसएचओ के कहने पे हम हट गए और हमारे साथ सारी तरह से सबूतों को नष्ट करने के पीछे कुछ योजनाएं बनती रही और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता रहा। मतलब आपको ये लगता है कि अभी भी इसमें सही न्याय नहीं हुआ? नहीं नहीं, न्याय होना होता तो बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होती और उम्मीद की किरण बहुत कम है कि न्याय यहाँ से मिल पाए। जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है अपराधियों का।
चलिए, ये परिजन थे विनय तिवारी के, इनसे बात हुई। अब हम बात करना चाहेंगे कि जनपद में अम्बरीश तिवारी नाम से ये प्रख्यात हैं और कहा जाता है कि किसी का दुख सुख हो तो उसमें जरूर पहुंचते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति से उन्हें गुजरना पड़े। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह का इसमें आप द्वारा प्रयास रहा है और परिजनों के लिए क्या हो सकता है, किस तरह की डिमांड रही आपकी? परिजनों के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, वो काफ़ी निंदनीय है। और मेरी एक ही मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, उनके पिताजी हैं जो विनय तिवारी के वृद्ध हैं, उनके माताजी के लिए बुढ़ापे के सहारा के लिए जिला प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से सहायता राशि की घोषणा की जाए। और जितने भी भदोही जनपद के नेतागण हैं, संगठन वाले हैं, पार्टी वाले हैं, सबको आगे आकर के इस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। आर्थिक मदद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की लड़ाई हम आप लड़ सकते हैं, बगैर आर्थिक के कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। तमाम कैमरे पर सहानुभूति आ रही है, और क्या लगता है आपको कि कैमरे पर सहानुभूति होनी चाहिए या वास्तविक रूप में किस तरह की सहानुभूति? देखिए, कैमरे के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी कार्य करना चाहिए लोगों को, क्योंकि कैमरे से सहानुभूति प्रदान करने से परिवार को राहत नहीं प्रदान होगा। जब तक आप जमीन पर उतर करके आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे परिवार को, तब तक वो कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि आप सब अपने नेतागिरी अपने यहाँ घर बैठ के करिए। इस पीड़ित परिवार के साथ अगर खड़े रहना है तो आप आर्थिक सहयोग कीजिए, जो भी आपके पास हो, क्योंकि ये मुहिम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना में। आया है कि पिछले दो दिन से आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि परिवार का सहयोग होना चाहिए, कागज पर नहीं वास्तविक सहयोग होना चाहिए। जी, कल रात 9 बजे से मैंने ये मुहिम चलाया है कि पीड़ित परिवार का खाता नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, कि भदोही जनपद में जितने भी लोग हैं जो सहायता करना चाहते हैं परिवार का आर्थिक रूप से, वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। और जो राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा संगठन है मेरी, उससे और मेरे सदस्यों द्वारा काफ़ी मदद राशि पहुंचाई जा रही है पीड़ित परिवार के खाते में। और सबसे आग्रह और विनती करूंगा कि सबको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर के परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग पहुंचाया जाए। क्या लगता है आपको कि इस मामले में जो निर्णय आ रहे हैं, अभी बात हुई सिमो साहब ने कहा कि इसमें जो है SP साहब को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो उसमें कितनी बातें जो है आप सबके सामने रखी गई हैं? देखिए, जो CMO साहब ने आम कैमरे पे बोला है, अगर वो सब बातें अगर उल्लेखित करते हुए, अंकित करते हुए रिपोर्ट में अगर प्रेषित करते हैं जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब को, तो ज़्यादातर सही होगा। और अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो ऊपर न्यायिक जाँच की हम लोग मांग करेंगे, और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर के मेरी संगठन और मैं सदैव तत्पर रहूंगा परिवार के साथ चलने के लिए। धन्यवाद। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से चिकित्सा विभाग लापरवाही कर रहा है, लापरवाही इसलिए कहेंगे हम क्योंकि जनपद, तमाम जनपद के हिस्सों से ये खबरें आती रहीं। हमने इस बारे में जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था, और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार जिलाधिकारी महोदय ने CMO महोदय को जो है सूचित किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि टीम गठित कर पूरे जनपद की जांच कराई जाएगी, और उसमें जो भी अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं, नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कितनी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं इस जनपद के युवा पत्रकार, और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं, और जो इनकी ओजस्वी भाषा है, काफ़ी तीखे बयान देते हैं ये, और जो भी गलती करता है उसके खिलाफ बड़े बयान देने के लिए जाने जाते हैं। विपिन मिश्रा, TRS न्यूज़ से, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? पिछले दो दिन से या तो आकाश भूमि है या TRS है जो खुलकर सामने आया और न्याय मांग रहा है पीड़ित परिवार के लिए। पहले बात तो ये कि अपने मीडिया भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, तो उनको किस तरह से इस मामले में सहयोग करना चाहिए, किसी भी तरह के मामले में किस तरह से सहयोग करना चाहिए? ए दीपक भैया, कुछ बचा नहीं बा, कहा बदे ठेठ में बतिया हुआ थे कहे से कि देखे वाले सब भदोही के बयान, ठीक बा। पूरे भदोही में इतनी चैनल्स हैं, इतनी अखबारें हैं कि अगर
जहाँ लिफाफे वाली बात आएगी गुरु, लाइन लग जाएगी और जो नेता है वो देते देते थक जाएंगे। ये मामला जब से उठा है भदोही के जितने भी मीडिया वाले हैं सब आराम से सो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। जब उनके ऊपर गाज गिरेगी ना, जब किसी अस्पताल में जाएंगे और जब उन्हें ठोकर लगेगी तब उन्हें पता चलेगा काश मैं विनय तिवारी के मुद्दे पे बोला होता तो शासन प्रशासन जागी होती और हमारे साथ ये घटना दुर्घटना नहीं हुई होती। खबर चलाने के बाद तमाम तरह की समस्याएं मीडिया वालों के सामने, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, फोन आते हैं, प्रेशर बनाया जाता है इस खबर को मत चले, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए हम और आप समस्याओं पे बात नहीं करते हैं, हम और आप सिर्फ सर पे कफन बांध के निकलने वाले लोग हैं और ऐसे तमाम धमकी फोन कॉल्स मैसेज आते रहते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, अन्य कोई फर्क है। इस वक्त हम सीएमओ ऑफिस पे खड़े हैं, आप भी कई दिन से कवरेज कर रहे हैं, ढाई इधर ढाई उधर, एक रुपये तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ बदलना है, भदोही को बदलना है, भदोही की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना है, इसीलिए कवरेज दे रहे हैं। मुझे भी बदलना है क्योंकि मैं भदोही का बेटा हूँ, भदोही का लाल हूँ, मुझे भी तकलीफ होता है। आज भदोही में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे चल रहा है, जिस जिले की 20-22 लाख की आबादी है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर वेंटिलेटर पे हो वहां की आबादी वहां की जनता खुद मरेगी, जिंदा तो नहीं रह सकती। नए जिलाधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी के आने के बाद उन्होंने कहा है कि टीम गठित कर पूरे जनपद में जो स्वास्थ्य महकमे में कमी है उसमें सुधार किया जाएगा और जिस तरह की दिक्कतें चल रही हैं जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में जब हमारे द्वारा खबर चलाई गई थी आपको मालूम होगा जिला अस्पताल के बारे में, तमाम उसमें जो है प्रेशर बनाया गया कि इस खबर को हटा दीजिए मत चलाइए, हालांकि प्रशासन ने इसमें कुछ नहीं कहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।